गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नथिंग फोन 2A के बारे में। पूरा डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ ये फोन कैसे होने वाला है, क्या है इसके अंदर, क्या क्या स्पेसिफिकेशन होने वाले और आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नथिंग फोन 2A के स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो आपको इस फोन के अंदर 6.7 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है, जो एकदम मस्त हाइट डिस्प्ले है, हाथ में भी आसानी से ग्रिप हो जाता है। बात करें इसके कैमरास के बारे में, तो प्राइमरी कैमरा जो है वो आपको होने वाला है 50 मेगापिक्सल का, OIS का मिलने वाला है। अगर आपको OIS नहीं पता है तो टेंशन किस बात की, मैं बैठा हूं ना, सुनो। OIS बोले तो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, ये फीचर आपके फोन और कैमरा में यूज होता है और इसकी हेल्प से आप फोटोज और वीडियो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे आप फोटो क्लिक करते हैं और फोन या कैमरा थोड़ा सा शेक हो रहा है तो भी ये फीचर अपना काम करेगा, शेक होगा तो भी आपको फोटो एकदम स्टेबलाइज आ जाएगी, जो कि कोई शेप की वजह से आपका फोटो ब्लर हो जाता है नॉर्मली, तो वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाला है। एंड उसी के साथ जो दूसरा कैमरा है वो भी 50 मेगापिक्सल का है और फ्रंट कैमरे की बात करें तो वो आपको 32 मेगापिक्सल का हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। वीडियो रिकॉर्डिंग आप इससे 4K 60fps तक कर सकते हो। अब बात करें इसके बैटरी के बारे में, तो आपको इसके अंदर 5000mAh की लॉन्ग लास्टिंग बैटरी मिल जाती है जो पूरा दिन चलेगी, तो बैटरी डाउन का कोई टेंशन ही नहीं ना रे बाबा। बात करें रैम के बारे में, तो आपको इसके अंदर दो वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं, जिसके अंदर एक के अंदर आपको 8GB रैम, 256GB का स्टोरेज मिल जाता है, बट जो दूसरा वेरिएंट है उसमें आपको 12GB रैम प्लस 8GB वर्चुअल रैम बोलो या रैम बूस्टर बात एक ही है। बात करें इस फोन के प्रोसेसर के बारे में, तो आपको इसके अंदर मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 प्रो प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि एक खतरनाक प्रोसेसर है, आपको गेमिंग या अदर टास्क करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी और लैग भी नहीं होगा, हैंग भी इश्यू देखने को नहीं मिलेगा, एकदम मक्खन टाइप परफॉर्मेंस मिलने वाली है। और अब बात करें इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो आपको इसके अंदर एंड्रॉइड 14 वर्जन मिलने वाला है और उसी के साथ आपको 3 साल का एंड्रॉइड अपडेट और 4 साल तक का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिल जाएंगे। 3 साल तक का एंड्रॉइड वर्जन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जैसे कि नेक्स्ट अभी एंड्रॉइड 15 आएगा। बाकी बात करें इसके प्राइस के बारे में, तो आपको ये फ्लिपकार्ट पे अभी जस्ट 25,000 का देखने को मिल जाता है, बट अभी आप इसे वहां से ऑर्डर मत करना, क्योंकि 12 मार्च को फ्लिपकार्ट पे एक सेल लगने वाली है जिसके अंदर आपको ये फोन सिर्फ 20,000 रुपए का मिल जाएगा, और अगर आप ऑफलाइन बाय करते हो तो भी आपको ये 21-22 हजार के आसपास मिल जाएगा। ओवरऑल बात करें इस फोन के बारे में, तो इस प्राइस में आपको ये बहुत ज्यादा फीचर्स और काफी मस्त एक्सपीरियंस दे रहा है, मिड बजट फोन है बट आपको हाई एंड डिवाइस वाली फील पूरी देगा। आपको ये फोन कैसा लगा जरूर से नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, और मैं मिलता हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में। और भी कुछ टॉपिक सजेशन करना है तो जरूर से कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।